स्टूडेंट जी बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो यूनिट नंबर 8 का हमारा कंटिन्यू है और उसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेटेलिक करेक्टर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा इसमें बेटा देख लें कि पहली बात कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, ठीक है। वो कैसे, अभी हम उसको देख लेते हैं बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर बता रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे एक एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम की, अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो है 160 पिकोमीटर बेटा, ये इसका एटॉमिक साइज़ है। और मैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो ये जो तकरीबन है 738 किलो जाउल पर मोल बेटा ये इसकी बनती है। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं सोडियम को ले लूँ तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 186 गालिबन, ये बेटा चेक कर लीजिएगा। और बेटा इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 436 किलो जाउल पर मोल, और ये बेटा दोनों की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, दोनों की फर्स्ट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है। रीज़न बेटा ये क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज़ के साथ रिलेट करती है, साइज़ स्मॉलर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी, साइज़ अगर लार्जर होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो स्मॉलर होगी। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ आएंगे क्योंकि वो इन्वर्स रिलेशन, ग्रेटर द आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर विल बी द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक करेक्टर। बेटा जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी, जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा उसमें मेटालिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो बेटा याद रखिएगा इसमें हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर द आयोनाइज एनर्जी स्मॉलर विल बी द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आर मेटेलिक करेक्टर एंड वाइस वर्सा। तो ये बेटा इसमें सेंटेंस लिखना है आपने। यहां तक इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बेटा जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।